नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, मतलब कि हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं, इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज़ को हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, लगातार इसमें हमें बड़े तेजी देखने मिल रही थी, लोस इसमें अपर सर्किट पर अपर सर्किट देखने मिल रहे थे, लेकिन कल के दिन जो है इसमें लास्ट के 5 मिनट में गिरावट आई थी और आज भी देखिए इसमें लोअर सर्किट हमें दिन जो है दिन भर देखने वाला है। पूरा दिन जो है इसमें लोअर सर्किट लगा रहा और लोग जो है काफी इसमें पैनिक करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि जो इसमें ये लोअर सर्किट लग रहा है वो लोअर सर्किट लगने के क्यों रीजन है, क्या ये लोअर सर्किट अभी और भी लगने वाला है और कब तक इसी प्रकार से ये शेयर जो है गिरावट में रह सकता है, इसका कौन सा जो है सपोर्ट का लेवल रहेगा। और इसके अलावा जो है एक बैड न्यूज भी जो है इसके जुड़ी हुई आ रही है, टीटीएमएल में जो है एक थोड़ी सी बोल सकते हैं कि बुरी खबर है, जो काफी बड़ी पाबंदी इन पर लगाई गई है, वो ही हम देखेंगे कौन सी वो पाबंदी है जो सेबी की तरफ से लगाई गई है। और इसके अलावा डिस्कस करेंगे इसके आगे के कौन से टारगेट रहने वाले हैं जब इसमें फिर से तेजी आएगी और वो कौन सा दिन है कि जिसमें जो है फिर से आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं तो आपको इसमें नेक्स्ट मूव क्या लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, ये बात भी हम जानेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीटीएमएल में हमें आज के दिन कैसे क्या ट्रेड देखने मिल रही है। तो आप देखिए इसमें ऑलमोस्ट 4.98% का लोअर सर्किट आज हमें देखने मिल रहा है, 7.05 रुपये की गिरावट हमें आज देखने को मिली है। बात करें 1 वीक की तो 1 वीक में देखिए इसमें ऑलमोस्ट 8.42% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 10.45 रुपये की तेजी हमें एक सप्ताह में देखने को भी मिल चुकी है। 1 मंथ में धमाकेदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 91.46% रिटर्न एक महीने में हमें देखने को मिले हैं, 64.25 रुपये की तेजी हमें सिर्फ और सिर्फ एक महीने में देखने को मिल चुकी है। अभी देखें इस शेयर तो ये शेयर देखिए 134.50 रुपये पर जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कैसे क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं कि कौन सी वो चीज़ जो है इसमें बैड न्यूज़ एक निकल के आ रही है। तो वो बैड न्यूज़ है जो है वो है इसकी एसएम लिस्ट जो है, आप देखें एसएम लिस्ट स्टेज 4 में इसको जो है डाल दिया गया, मतलब कि काफ़ी जो क्रिटिकल स्टेज में शेयर पहुंच चुका है। तो इसमें काफ़ी तेजी आ गई थी और उसके बाद जो है जो ये सेबी की तरफ से इसमें जो है अगर देखें पाबंदी लगाई गई है वो काफ़ी जो है निराशाजनक है। देखिए स्टेज 4 में इसको डाल दिया गया, मतलब कि काफ़ी दिन तक इसमें अब हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती, मतलब कि लगभग देखें तो कुछ दिन तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जो ये तेज़ी इसमें आई थी लोगों सीधी से चढ़ाई की थी वैसी ही चढ़ाई कुछ दिन हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तेज़ी इसमें जरूर आने वाली है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर देखें तो वॉल्यूम में फिर से इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इसका आज वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम इसमें अगर देखें तो 54,52,150 शेयरों की इसमें ट्रेड हुई है और लगभग 76% शेयरों की डिलीवरी परसेंटेज भी हमें देखने को मिला है और सेलिंग प्रेशर देखें तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। लोअर सर्किट लगने के बावजूद देखिए इसमें सिर्फ 3,77,389 शेयरों की इसमें सेलिंग साइड पर ऑर्डर लगे हुए हैं 134.50 रुपये के प्राइस पर, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि इसमें बहुत जल्द आपको फिर से तेज़ी देखने को मिलने वाली है जो आपके सेलिंग साइड पर ऑर्डर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए सेलिंग साइड पर और आज जो है काफ़ी रिड्यूस हुए हैं ये सेलिंग साइड पर ऑर्डर और आपको लगातार ये ऑर्डर जो है रिड्यूस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो एक बात की बात कर ली हमने कि कौन सा जो है इसमें बैड न्यूज़ है वो है एसएम लिस्ट स्टेज 4 और गुड न्यूज़ क्या है कि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, सेलिंग साइड पर लगातार हमें ऑर्डर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम चलते हैं कि कौन सा इसका टारगेट रहने वाला है आगे आने वाले समय के लिए। तो देखिए आपका जो है जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका सपोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन लेवल है, वो है आपका 112 रुपये का, क्योंकि जब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है तो ये जब गिरावट लेगा तो आपका ये 112 रुपये तक आ सकता है और यहाँ से ये दोबारा से टर्न लेके ऊपर जाता हुआ देखने को आपको फिर से मिलेगा, मतलब कि आपका ये बहुत अच्छा जो है सपोर्ट रहने वाला है जो आपका ये लेवल है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ इसमें गिरावट कब तक रहेगी, आपका ये गिरावट 112 रुपये के लेवल तक रह सकती है, ये आपका जो है सपोर्ट का सपोर्ट नंबर बन रहेगा। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो ये आपका 97.45 रुपये सपोर्ट नंबर 2 का बहुत अच्छा काम करेगा, ये आपके दो बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट हैं 112.25 रुपये और सपोर्ट नंबर 2 97.45 रुपये, ये आपके दो सपोर्ट हैं। और आपको अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग अभी आप ना करें, थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग करने के लिए आपका ये 112.25 रुपये अगर ये इस लेवल से जो है तेजी पकड़ता है तो आप जो है इस लेवल पर अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छा लेवल रहेगा फ्रेश बाइंग करने का। और सर आपका टारगेट रहेगा 140 रुपये का, तो अगर आप चाहते हैं बाइंग करें तो आप 112.25 रुपये पर अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा 140 रुपये का, ये आपका टारगेट नंबर बन रहेगा। और इसके बाद अगर ये लेवल को तोड़ के ये ऊपर जाएगा, अगर ये कम से कम इसके ऊपर 2 से 3 दिन क्लोजिंग देता है तब आप इसको अपना 160 रुपये का टारगेट रख के अपने इसमें होल्डिंग ले सकते हैं, अगर लेकिन ये फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तब आप इसमें टेम्प्रेरी रूप से अपना एग्जिट ले सकते हैं, मतलब कि आप 112.25 रुपये पर खरीद कर 140 रुपये के लेवल पर अपना एग्जिट इसमें ले सकते हैं जो आपको अपने इसमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आपने काफ़ी ऊपर बाई कर लिया है इस स्टॉक को,
तो आप इसमें भी बिल्कुल भी पैनिक ना करें, आप इसको होल्ड करें, आपको जितना भी लॉस हुआ है वो आराम से सारा कवर हो जाएगा। और आप जो है काफ़ी नीचे बाइक पे बैठे हैं और आपने लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो आप आराम से इसमें होल्ड करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ दिन इसमें लोअर तक लगेगा, उससे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत जल्द फिर आपको तेजी में देखने को मिलने वाला है और फिर से आपको पर डे अपर सर्किट देखने को मिलने वाले हैं। और आपका 112 रुपये वो लेवल रहेगा जहाँ से ये तेजी फिर से आपको पकड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें बिल्कुल पैनिक ना करें, आप इसमें अभी होल्ड करें, चाहे आपने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाए हो या आपने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया हो। शॉर्ट टर्म वाले भी आप इसमें अभी होल्डिंग रखें, अभी गलती से भी आप शेयर जो है अपना एक भी शेयर ना बेचें, क्योंकि इसमें फिर से आपको तेजी देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द, और ये शेयर आपका फिर से 140 रुपीज़ का टारगेट अचीव करने वाला है। तो इसलिए आप इसमें अभी बिल्कुल भी सेलिंग ना करें, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं और लॉन्ग टर्म वाले दोनों लोगों ने ये सलाह मेरी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपका टारगेट रहेगा 140 रुपीज़ का, और अगर ये आपका इस जब इसमें तेजी आएगी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 140 रुपीज़ के कम से कम 3 दिन, तब आपका टारगेट रहेगा 160 रुपये का। बाकी अगर ये स्टॉक 97.45 रुपीज़ के नीचे आता है, तब आप इसमें टेम्प्रेरी रूप से अपना एग्जिट दे सकते हैं। जो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के पैसा लगाया था वो लोग जो है इसमें 97.45 रुपीज़ के नीचे अगर ये शेयर जाता है, तब आप इसमें टेम्प्रेरी रूप से जो है अपना इससे एग्जिट लीजिएगा। फिर आपको जो है अभी इसमें फिर होल्डिंग नहीं रखनी है, अगर ये 97.45 रुपीज़ के नीचे जाएगा तब की बात कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाले इसमें आराम से होल्डिंग अपनी रख सकते हैं, उनको बिल्कुल भी इसमें सेलिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे लेवल्स, अगर आपको ये जो लेवल में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कोई भी डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं। दोस्तों यहीं तक था वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह नहीं तो अपने पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।